आपने गाना सुना है, और स्टूडेंट्स और हमारे दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के राय सर में। आज हम इंग्लिश ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि फिगर ऑफ स्पीच है उसको शुरू कर रहे हैं, और उसमें पहला है सिमिली। तो स्टूडेंट्स, सिमिली का है जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है उपमा अलंकार। तो फिगर ऑफ स्पीच अलंकार होते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा। तो आज हम इसको फिर से पढ़ने वाले हैं और डिटेल में समझने वाले हैं इसकी पहचान क्या होती है। आपने पढ़ा होगा कि जो भाषा होती है या जो पोएट होते हैं, पोएटेस होते हैं, कवि कवित्री होते हैं, ये अपनी कविताओं को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे वो आकर्षक लगे, सुंदर लगे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अच्छे से समझें कि सिमिली क्या है। इसकी सबसे पहले हमें पहचान समझ लेनी है कि पहचान क्या होती है। सेंटेंस में हमें एज या लाइक देखने को मिल जाएगा, और इसमें होता क्या है, कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, मतलब दो अलग अलग चीज़ों के बीच में तुलना की जाएगी, क्योंकि इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है उपमा, उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा मतलब होता ही है तुलना, क्या होता है, तुलना होता है। तो स्टूडेंट्स और दोस्तों, आपको अच्छे से समझ लेना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और अच्छा हमें समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, एग्जाम्पल है द ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। तो ये क्या है, ग्रेट खली क्या बैल है क्या? नहीं, ग्रेट खली इतना स्ट्रॉन्ग दिखता है जितना कि ऑक्स। ठीक है, तो एज वर्ड आया है, एज ने क्या कर दिया यहाँ पे, ऑक्स से ग्रेट खली की कंपैरिजन कर दी। एक जानवर है, एक पर्सन है, फिर भी इनकी तुलना की गई है, तो यहाँ पर एज वर्ड से हमें पता चला है कि ये सिमिली है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, द यंग तैमूर इज एज क्यूट एज किटन। तो आप सबको पता है कि तैमूर कौन है, कि जो सैफ अली खान है और जो करीना कपूर है उनका बेटा है तैमूर। ठीक है, तो वो बहुत ही क्यूट है, और यहाँ तुलना की गई है कि वो क्यूट कैसा है, एक बिल्ली की बच्ची किटन जैसा है। तो यहाँ दो डिफरेंट थिंग्स में मतलब तुलना की गई है। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं हम, द ग्लो ऑफ हिज फेस इज सॉरी वॉज एज ब्राइट एज सनशाइन। तो मतलब उसके फेस का जो ग्लो था वो इतना ब्राइट था कि जैसे सनशाइन हो। तो ऐसा है क्या, उसका फेस पर क्या सूरज था क्या? नहीं, लेकिन फिर भी तुलना की गई है, तो आपको समझना है इसमें सिमिली है। ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में इस टाइप से कोई एग्जांपल दे देंगे और पूछ लेंगे वो कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से आपको लगा देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ फोर्थ एग्जांपल देख रहे थे, आफ्टर द एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स फेल्ट एज लाइट एज अ फेदर, मतलब परीक्षा के बाद विद्यार्थियों को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अब वो बिल्कुल फेदर की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है आपको, क्लियर है? आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ में एक बात और सुन लीजिएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह वीडियो वर्ग एक और वर्ग दो के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फिगर ऑफ स्पीच उसमें पूछे जाने हैं। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, मिलते हैं।